जिसपे ये आरोप लग रहा है ये रईस का घर है, ठीक है। अब ये निकल रहे, इनसे बात करनी है कुछ। फर्की खातून को रेखा बनाकर पति ने किया 1 लाख में सौदा, 14 साल बाद मामले का हुआ खुलासा। फर्की खातून ने सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार। देखिए बिहार के बांका जिले से सनसनीखेज खुलासा। बिहार के बांका जिले के धोरैया थाना अंतर्गत सगुनिया गांव में से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां फर्की खातून से रेखा देवी बन महिला अपने 2 बच्चों के साथ इंसाफ की गुहार लगाती नजर आ रही है। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब फर्की खातून सशरीर अपने मायका अपने 2 बच्चों के साथ पहुंची। फर्की के पास रेखा देवी पति विष्णु कुमार जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड था, जिसे देख परिजनों में कोहराम मच गया। फर्की की शादी गांव के ही रईस के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के तहत 15 साल पूर्व हुआ था। शादी के 1 साल बाद रईस फर्की को लेकर उत्तर प्रदेश चला गया था। वहां उससे अपनी पत्नी पर भी खातून को रेखा देवी बनाकर 1 लाख में विष्णु कुमार के हाथों बेच दिया और वापस अपने गांव लौट आया। यहां उसने फर्की के गायब होने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने भी फर्की को मरा हुआ समझ लिया। 14 साल बाद फर्की 2 बच्चों के साथ अपने मायके पहुंची, जिसे देख मायके वाले हैरान हो गए। अब तक गांव वाले फर्की को मरा हुआ समझ रहे थे, मगर फर्की तो जिंदा निकली और विष्णु कुमार के बच्चे की मां निकली। अब फर्की को किस तरह का इंसाफ मिलता है, ये इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर किसने क्या कहा फर्की खातून उर्फ रेखा देवी, रईस और फर्की के वालिद ने। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए बांका से आशीष कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम बोले अपना? मेरे नाम है फर्की। आपका पिताजी का नाम क्या है? आपका पिताजी का नाम क्या है? अब्बू। अब्बू का नाम क्या है? बाप का नाम? बाप का नाम सफीक। सफीक नाम। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, घटना क्या हुआ है? घटना ऐसा हुआ है कि ये बगल वाला जो है ना, हाँ, ये बगल वाला रईस, हाँ, वो है बचपने में, मैं जानते नहीं रहे बचपने में, वो बचपने में मेरे यूपी में बेच दिया। यूपी में बेच दिया? हाँ, उतना हमका ध्यान नहीं रहा। कहाँ बेचा था यूपी में, आपको मालूम है? यूपी में फतेहपुर। फतेहपुर में बेचा था? कितना में बेचा था ये मालूम है आपको? ये मालूम है 1 लाख में बेचा था। 1 लाख में बेचा, हाँ। था। अच्छा, ये जो बच्चा जो है, दोनों बच्चा, हाँ, ये बच्चा किसका है? जिसका जहाँ भी रहता है उसके है बच्चा। क्या आपका वहाँ यूपी में जिनके पास बेचा था उससे आपका शादी हो गया था? नहीं, वो सती नहीं, उसका है 3 बच्चे, हमारा है 2 बच्चे, ते 2 बच्चे नहीं मानता है। अब जो हमारा आदमी ही तो दोनों बच्चे मानता रहा, वही हमारा, वही हमारा, हम दोनों बच्चा ले भाग गए। जब नहीं मान रहे तो दोनों बच्चे का जान लगा तो भागे, पर ऐसा है, क्या कर। क्यों आप वहाँ से भागे, क्या कर रहा था? बड़ा दिक्कत दे रहा है, वो जैसे साउथ इंडियन कलर के बच्चे हैं, मान रहे हैं, हमारे दोनों बच्चे नहीं मान रहे। अच्छा, ये जो आपको जो लेके जो गया था, ये कहाँ का, ये कहाँ का रहने वाला था जो आपको बेचा है? बगल वाला है, बगल सगुनिया का ही है। क्या नाम है उसका? उसका रईस है, तो घर में रईस नाम है, घर ही में है अभी, घर में ही है। मतलब आपको बेच दिया था 1 लाख? हाँ, 1 लाख में बेच दिया। कितने दिन के बाद जो है आप घर आए हैं? तो बहुत दिन का बाद आए। कितना दिन के बाद? कितना दिन के बाद? साल 2 साल का बाद आए। नहीं नहीं, 15 साल। 15 साल तक? 15 साल के बाद? 15 साल के बाद? 15 साल तक हो गया। वो बेच के फिर वो आ गया रईस? हाँ, यही पर घर पर। आपको बेच के वो घर आ गया? हाँ। मतलब आपसे, आपको लेके यही गया था रईस? हाँ, यही लेके गया था। आपसे शादी उदी हुआ था क्या? हाँ, सौतनी से शादी हो गया था, फिर नहीं नहीं नहीं, रईस से शादी हुआ था? हाँ, शादी हुआ था। हाँ, मतलब यूपी लेके गया आपको? हाँ, वहाँ पे बेच दिया। बेच दिया। रईस का बच्चा भी था आपके पास? रईस का बच्चा तो सौतनी के पास है। आपका इसका ये जो बच्चा है, ये रईस का है? नहीं, ये रईस का नहीं है। मतलब जहाँ पे आपको बेचा था ये इसका है? हाँ, इसका। इसका नाम जानते हैं, क्या नाम था इसको जिसके पास बेचा था? नाम आधार में नाम है मोहम्मद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद रईस। कहाँ घर है आपका?
सगुनिया कौन सा प्रखंड पड़ता है? धोरिया प्रखंड। आपके ऊपर जो है आपके बगल वाले ही जो है शफीक जी का जो बेटी है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है उनको यूपी में 15 साल पहले आपसे उनका शादी हुआ था। पहले ये बताइए, शादी हुआ था पहले आपसे? शादी उनका हुआ था। कितना दिन पहले शादी हुआ था आपका? तो आप किस कारण बस उनको बाहर लेके गए? बाहर लेके गए? वो कैसे आपके घर से वो कैसे गई? पिताजी के घर गया था। अच्छा, त्योहार में? अच्छा, ठीक है। त्योहार में जो गया तो चला गया, तो चले गया त्योहार में गया। गांव वाले को सूचना तो होगा ना कि तो त्योहार में गया। और कितना दिन पहले गए थे आपका घर? कितना दिन पहले वो छोड़े थे? हमारा घर 15 साल हो गया। अभी आप शादी किए हैं? दूसरा शादी किए हैं? दूसरा तो पहले कर रहे थे हम। अच्छा, उससे उसके बाद ये हुआ है। उससे पहले आप शादी किए थे, उसके बाद आप शादी किए थे? पहले पहला बीवी आपका कौन है? पहला बीवी। पहले ये बताइए, आप पे ये आरोप लगा कि आप यूपी में इनको 1 लाख में बेचे? जी सर, नहीं, हम झूठ नहीं बोले। अच्छा, जब आपकी बीवी वहाँ से गायब हुई तो आपने थाना में सूचना दिया कि मेरी बीवी गायब है या कुछ है? थाना में सूचित किए? थाना में एप्लीकेशन लिख के दिए? नहीं दिए। आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, आप उस आरोप पे आपका क्या कहना है? आप पे आरोप लगा के आप इसको बेचे हैं? नहीं सर, नहीं। आप देखिए, झूठ कौन बोल रहा है या नहीं बोल रहा है ये तो प्रशासन की काम है, ये जांच का विषय है। हम लोग सिर्फ पक्ष रखने जानते हैं, पक्ष रखेंगे। दूसरा मामला ये था कि आप पे आरोप लगा कि आप 15 साल पहले इनको आपसे शादी हुई, शादी होने के बाद इसको आप यूपी लेके गए, यूपी में आप इसको यूपी लेके गए, यूपी में आप इनको 1 लाख में बेचे हैं। ये सही है? ये कौन समाज से पूछ लीजिए, कौन समाज से पूछ लीजिए, गलत है कि झूठ है? बाबा आपसे भी पूछा जाएगा। पहले जो बयान है, कौन है? चाचा है। तो ये आपका भतीजा है? कितने दिन पहले उस लड़की से शादी हुआ था इनका? 15 साल से ऊपर। 15 साल से? क्या कारण था जो उसको छोड़ दिया गया? किसको? उसी लड़की को। उस लड़की को कारण वो छोड़ाया था नहीं तो वो अपने मन से चली गई? अपने मन से वो बाबा के घर गया। हाँ, वही से वो गायब हो गया। वही से गायब हो गया? तब प्रशासन को सूचना दिए थे कि मेरी पत्नी नहीं है? नहीं नहीं, खोजारी कहाँ किए? खोजारी वो बाप नहीं नहीं क्या, लेकिन ये किया। क्या नाम है बाबा आपका? तमीज नाम है। तमीज? तमीज नाम है। ये क्या का क्या मामला था चाचा वहाँ का? आपका जो लड़की के साथ हुआ क्या मामला है? उसके चोरी में ले गए। नहीं नहीं, इनका इनसे पूछना है क्या मामला था। आपकी बेटी है ये? हाँ। ये जो बता रही है कि हमको यूपी में बेच दिया था। बेटी है? बेटी है आपको? कौन बेचा था? आपके गांव का ही कोई आदमी बेचा था? गोतिया लिया का है। गांव ने ब्याह कराया था। अच्छा, कितना दिन पहले शादी हुआ था? कितना दिन पहले शादी हुआ था चाचा जी का? शादी कितना दिन पहले हुआ था? लगभग 15 साल घर रहा, 1 साल घर। 16 साल? मतलब 15 साल वहाँ पे इसको बेच दिया गया। तो आप लोगों को मालूम कैसे चला कि मेरा बेटी को तो बेच दिया है? बाप ना मेरे ले आया तो ढूंढ कर। एक मिनट, कैसे मालूम कैसे चला आपको, कुछ खबर? वो खबर नहीं आई, पीछे को खबर मिला तो नहीं कुछ कर सके। अच्छा अच्छा, गरीब आदमी है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आपके साथ जो आपकी लड़की के साथ जो हुआ है, आप इससे क्या चाहते हैं, क्या मांग चाहते हैं आप कानून से? हर सरकार से लड़की को रखेंगे और क्या चाहेंगे? नहीं नहीं, आप कानून से क्या चाहते, जो इनके साथ जो किया है? आप लोग कौन चीज कहेंगे भैया? हम कौन सी जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं भैया, हम गरीब हैं, कमाने खाते हैं, जो देना है। आप इनको रखने के लिए तैयार हैं? आप रखने के लिए? आपकी कोई इच्छा होगी सरकार से कि अगर सरकार से कोई मांग होगी आपकी, सहयोग मिलना चाहिए? क्या सहयोग चाहते हैं सरकार से? अभी नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव जी, इनको रहने का घर दे सरकार, जमीन दे सरकार। हाँ, ये बेरोजगार है, अभी 2 बच्चा है इनके पास, ये कैसे पढ़ाई लिखाएगा? अच्छा, ये बताइए जो बेचा है इस पे आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? उसका जुर्म नहीं सहेंगे भैया, कोई कार्रवाई? मतलब गरीब हैं आप, नहीं कर पाते हैं? कमाते खाते हैं, जमीन जगह नहीं है। मतलब आप सरकार से मांग करते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले और जो भी रहने सहने का ये मिले? कुछ ना कुछ नहीं। क्या नाम है बाबा आपका? शफीक। शफीक, घर कहाँ है आपका? घर घर जो बेचा है इसका घर कहाँ है? ये बगल में।
बगल में जगह बताइए, जगह बगल में कौन सा गांव है ये? सगुनिया। सगुनिया मतलब बेचने वाला भी सगुनिया का ही है। क्या नाम है बेचने वाला का? नाम बाबा रहीस नाम है। रहीस ने बेचा है? रहीस ने बेचा। कितना दिन पहले बेच दिया था आपको? 15 साल पहले बेचा। 15 साल पहले बेच दिया।